नमस्कार दोस्तों, रजिस्ट्रेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग संसद नामक टॉपिक पर एक श्रृंखला के रूप में जो है चर्चा कर रहे हैं। और आज के टॉपिक में हम लोग चूंकि संसद पर ही चर्चा कर रहे हैं, तो ये देखने का प्रयास करेंगे कि क्या संसद भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था के अंतर्गत एक संप्रभु संस्था या संरचना है, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इसके इस पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक होगा कि भारत में एक संविधान की व्यवस्था की गई है, संविधान का निर्माण किया गया है और संविधान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अंगों की शक्तियों का निर्धारण किया गया है। भारत में देखा जाए तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में कानून बनाने और शासन करने के लिए सूचियों के माध्यम से विषयों का भी वर्गीकरण किया गया है, जिसके माध्यम से अलग अलग अंगों और अलग अलग प्रकार की शक्तियों का निर्धारण किया गया है। और संसद उसमें से एक महत्वपूर्ण सरकार का अंग है, जिसके द्वारा कानून के निर्माण के क्षेत्र में शक्ति का जो प्रयोग किया जाता है। अगर मूलतः देखा जाए तो संसद जो है वो कानून निर्माण के क्षेत्र में एक शक्तिशाली संगठन है। यह संघ सूची पर कानून का निर्माण करता है, समवर्ती सूची पर भी कानून का निर्माण इनके द्वारा किया जाता है। और यदि राज्यसभा से टकराव, राज्य द्वारा बनाए गए समवर्ती सूची के विषय पर टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है, तो वहां पर संसद के द्वारा बनाया गया कानून ही प्रभावी होता है और राज्य द्वारा बनाया गया कानून उस सीमा तक जो शून्य घोषित होता है, जहां तक वह संसद के द्वारा बनाए गए कानून से टकराव की स्थिति में आता है। विशेष परिस्थिति में यह राज्यसभा के राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार के जो ये तीनों अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, तो अगर हम व्यवस्थापिका यानी कि संसद के रूप में अगर हम चर्चा करते हैं, तो संसद कानून निर्माण के लिए काम करता है, कानून का निर्माण करता है। और ये कानून जो है वो संघ सूची के विषयों पर कानून बनाता है और विशेष परिस्थिति में, अगर विशेष परिस्थितियों को देखा जाए, तो यह राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है। समवर्ती सूची पर यह कानून बनाता ही बनाता है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि संसद कानून बनाने के क्षेत्र में एक शक्तिशाली संगठन है, जिसके द्वारा इन सभी विषयों पर कानून का निर्माण किया जाता है। और इन सभी बिंदुओं और प्रावधानों से ही ये एक सवाल उत्पन्न होता है कि क्या संसद जो है संप्रभु है। तो यहाँ पर इन सभी बातों के होने के बावजूद भी हम इस सवाल को इस रूप में देखेंगे कि संसद को भारतीय संविधान राज व्यवस्था के अंतर्गत शक्तिशाली बनाया गया है और उसे कानून बनाने के क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर और विभिन्न प्रकार के कंडीशन में लगभग सभी सूचियों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। लेकिन भारत में एक लिखित और व्यापक रूप से संविधान विद्यमान है और संविधान के द्वारा सभी अंगों की शक्तियों का निर्धारण कर दिया गया है। और इन शक्तियों के निर्धारण के उल्लंघन की स्थिति में, जो भी विभिन्न प्रकार के अंग हैं उसके उल्लंघन की स्थिति में, यहाँ पर न्यायपालिका की भी व्यवस्था की गई है, जो विभिन्न प्रकार के विवाद की स्थिति में ये देखने का कार्य करता है कि किस अंग के द्वारा अपने शक्तियों का उल्लंघन किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में संसद की जो शक्ति है वो संविधान के द्वारा प्रदान की गई शक्ति के वर्गीकरण, व्यक्ति के मौलिक अधिकार और इसी तरीके से संविधान की सर्वोच्चता के दायरे में आ जाती है। तो देखा जाए तो लिखित एवं व्यापक संविधान, लिखित संविधान, एक तो हम इस स्थिति का अध्ययन यहां पर कर लिए, जिसके माध्यम से इस चीज को हम बताने का प्रयास करेंगे कि संसद पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है, पूरे देश के लिए कानून का निर्माण करती है, संघ सूची पर उसे कानून बनाने का अधिकार है, समवर्ती सूची पर वो प्रत्येक स्थिति में कानून बनाता है और यदि टकराव की स्थिति होती है तो उसके द्वारा बनाया गया कानून लागू होता है, विशेष परिस्थिति में वो राज्य सूची पर भी कानून बना सकता है, विशेष स्थिति में वो राज्य सूची पर भी कानून बना सकता है। तो इस तरीके से बताने का प्रयास किया जाएगा पहले पैराग्राफ में कि वो एक शक्तिशाली संगठन है, कानून बनाने के क्षेत्र में उसे अत्यधिक शक्तियां दी गई। लेकिन दूसरी तरफ हम इस बात को भी बताने का प्रयास करेंगे
कि भारत में चूंकि लिखित संविधान की व्यवस्था है जिसके माध्यम से सरकार के जो है सभी अंगों की शक्तियों का वर्गीकरण किया गया है और प्रत्येक अंग अपने अपने क्षेत्र में शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो इस आधार पर लिखित संविधान कहीं ना कहीं संसद की शक्ति पर जो है प्रतिबंध लगाने का प्रयास करता है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मौलिक अधिकार एक ऐसा प्रावधान है भाग 3 के अंतर्गत जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए संविधान के द्वारा दिया गया, और सामान्य स्थिति में राज्य इसका उल्लंघन नहीं कर सकता है, और यदि उल्लंघन किया जाता है तो यहाँ पर पुनः न्यायपालिका की जो एक व्यवस्था की गई है और उसके द्वारा व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किया जाता है। तो संसद की सीमाएं मौलिक अधिकार के संदर्भ में इस तरीके से कभी नहीं हो सकती हैं या कभी इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है कि वो मौलिक अधिकारों को इस तरीके से सीमित कर दे जिससे व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावित हो, उसका विकास प्रभावित हो। तो यहाँ पर मौलिक अधिकार भी कहीं ना कहीं इसके सीमा के रूप में जानी जाती है। तो लिखित संविधान, मौलिक अधिकार और शक्तियों का वर्गीकरण, शक्तियों का वर्गीकरण जो है वो तीनों ही जो है अंगों में शक्तियों का विभाजन किया गया है और अंगों के शक्तियों को स्पष्ट कर दिया गया है कि कौन सा अंग क्या क्या कार्य करेगा। तो इस आधार पर जो शक्तियों का वर्गीकरण है वह भी संसद की शक्ति पर कहीं ना कहीं सीमाओं को लगाने का प्रयास करता है। और अंत में यह भी है कि संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान की सर्वोच्चता है। तो ये 4 ऐसे पॉइंट हैं जो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के अंगों को संविधान से शक्ति प्राप्त होती है। संविधान ने स्पष्ट रूप से लिखित रूप में वर्गीकरण किया हुआ है व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी और उसके अभिभावक के रूप में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्तियां रेखांकित हैं और शक्तियों का वर्गीकरण कर दिया गया है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था में एक संतुलन को स्थापित करने का प्रयास करती हैं। इसलिए भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में सरकार का कोई भी अंग वो संप्रभु न होते हुए संविधान से शक्ति प्राप्त करता है और उसके दायरे में रह करके अपनी सीमाओं के अंतर्गत शक्तियों का उपभोग करता है और जनता के हित में कार्य करने का प्रयास करता है। तो इस तरीके से सरकार का कोई भी अंग संप्रभु न होते हुए संविधान अपने आप में संप्रभु होता है। इसीलिए इन सभी बातों के बाद डीडी बसु ने यह लिखा था कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में न्यायपालिका, अमेरिका की न्यायपालिका की सर्वोच्चता और ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता के बीच का मार्ग अपनाया गया है। तो इस तरीके से जब ऐसे सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं तो वहां पर तीनों ही प्रकार की बातों को लिखना है। एक तो यह कि संसद की स्थिति को स्पष्ट किया जाएगा, दूसरा ये कि वे कौन कौन से पॉइंट हैं जिनके आधार पर उसका उस पर जो है नियंत्रण लगता है, और इसके बाद जो है यहाँ पर संतुलन बनाने का प्रयास किया जाएगा। इन दोनों ही बातों को एक दूसरे में मिलाने का प्रयास किया जाएगा और ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि यहाँ पर सभी अंग संविधान से शक्ति प्राप्त करते हैं, उसके दायरे में रखते हुए वो किसी भी तरीके से अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन वह इस तरीके से अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं जिससे संविधान एवं राज्य व्यवस्था के स्वरूप, व्यक्ति के मौलिक अधिकार और संविधान का उल्लंघन होता है। तो ऐसी स्थिति में सभी अंग संविधान से शक्ति प्राप्त करते हुए अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं और अंतिम रूप से कोई भी अंग संप्रभु न होकर के संविधान ही संप्रभु होता है, जो कि आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने चर्चा किया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों में से कोई भी अभी तक चैनल पर नया है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल वीडियोज़ के लिए टैप कर दीजिए ताकि सभी वीडियोज आपको रियल टाइम पर अपलोड के समय मिलता रहे। तो आप इस टॉपिक के साथ साथ अपने अन्य टॉपिक का व्यवस्थित तरीके से संतुलन बना करके लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में जो है अग्रसर होने का कार्य कीजिए। पुनः अगले लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के लिए लाएंगे और लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।